तुझे पता है क्या, इस बार मैं न्यू ईयर पे जयपुर जा रही हूँ इनके साथ। अच्छा क्या हुआ? तू नहीं जा रही क्या कहीं पे? तेरा पति तुझ पे खर्चा वर्चा नहीं करता क्या? देख बुरा मन मानियो, पर जो इंसान अपने खुद की ही शादी में घोड़ी से उतर के नोट लूट रहा उससे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा वो भाई साहब वापस आ गए जेल से? नहीं वो इनकम टैक्स के चक्कर में आना जाना तो लगा ही रहता होगा ना। और बात रही न्यू ईयर की तो हम गोवा घूमने जा रहे हैं। हाँ और वो भी एक हफ्ते के लिए। अच्छा जरा फेसबुक पे फोटो जरूर डालना, हम भी तो देखें तुम्हारा गोवा कैसा है। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे अपलोड। लगता है अब तो गोवा जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरे फ्रेंड सर्कल में ना मेरी बेइज्जती हो जानी है। हे भगवान बस आज इनको मूड अच्छा रखना। अरे यार आज तो बवाल हो गया, दिन ही खराब था। क्या क्या हुआ? अरे यार आज ऑफिस में दो कप चाय आई थी, उसमें से एक कप चाय तो हमने पी ली जो कि हमारी थी, जो दूसरी कप चाय थी जो कि एक्स्ट्रा चाय थी वो भी हम पी गए क्योंकि ठंड बहुत हो गई ना, और तुमको तो पता है मैं ह्यूज टी लवर। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम पड़ता है जो दूसरी चाय थी वो सेक्रेटरी की थी। अब इतनी सी छोटी बात पे हमसे लड़ाई कर बैठी वो, और हमने उसका सेहत का ख्याल रखते हुए बहुत ही अच्छे मनुष्य होते हुए हमने बोल दिया कि ज्यादा चाय मत पियो मोटी हो जाओगी। इस बात का बुरा मान गई वो। अब हमको लगता है हमारा बॉस हमको नौकरी से निकाल देगा। बॉस क्यों तुम्हें जॉब से निकालेगा? लड़ाई तो तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ हुई है। अरे तुम जानती नहीं हो बॉस और सेक्रेटरी का थोड़ा मेल मिलाप ज्यादा है, अब देखते हैं जो होता है। जय गंगे मैया की। अरे तुम खाना लगा दो, भूख लग रही है यार, हमको घर पे आए पानी नहीं पूछा ना खाना दिया, खाना लगा दो। और सुनो ये फोन भी चार्जिंग पे लगा था, रसोई में लगा देना चार्जिंग, हमको तो फोन भी नहीं देखना। प्याज हम इसको तिजोरी में छोड़ के गए तो तुमने बाहर के निकाले, अरे कोई खा लेगा। शांति शांति मेरे पापा ने भेजा। अच्छा तुम्हारे पापा दे के गए, फिर तो बनता है ना। मैं वो कह रही थी कि इस बार न्यूज़ पे हम दोनों के बाहर चले सिर्फ तुम और मैं। अरे क्या करोगे इतनी ठंड में जाकर बाहर, लोग कुल्लू मनाली छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं। ठंड में किसको जाना है, किसी गर्मी वाली जगह पर चलते हैं। बम्बई? ना बम्बई नहीं जाएंगे, उधर हाईवे पर भी जाम लगता है, क्या करेंगे बम्बई जाके जाम में अटक जाएंगे, एंजॉय तो कर नहीं पाएंगे। मुंबई के अलावा और भी तो जगहें हैं जहाँ रेत है, समुंदर है, सनसेट से लेकर सनराइज तक गाने गाने, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। बस हम तुम्हारे दिल की बात समझ गए हैं, तुम हमको अपना फोन दो। आज तुमको प्राउड फील होगा कि हम तुम्हारे हस्बैंड हैं। हाँ टिल्लू, हाँ अम्मा को बोल दो अब की बार का नया साल हम उनके साथ ही मनाएंगे। हाँ एक काम करो, दो टिकट बुक कर दो भुवनेश्वर की। तुम चुप, पागल हो क्या? तुम्हें किसने कहा कि मैं भुवनेश्वर जाने? अरे तुम भी तो बोली रेत समुद्र सनराइज सनसेट ये सब भुवनेश्वर में तो है, जाएंगे घूमेंगे ऐश करेंगे और क्या अम्मा के साथ डांसिंग डांसिंग करेंगे। भैया जी टिकट बुक करा दिए हैं। कैंसिल करवाओ अभी के अभी कैंसिल करवाओ। और सुनो अगर तुमने अम्मा को बताया ना कि हम आने वाले थे तो तुम्हारी लिट्टी और चोखा दोनों तोड़ देंगे, अब फोन रखो। ए ध्वनि, अरे काही इधर आके बैठ गई हो, ठंड लग जाएगी, चलो कमरे में चलो। मुझे कमरे में नहीं जाना है, मुझे घूमने जाना है। अच्छा चलो बताओ कहाँ जाना है घूमने? गोवा। गोवा? हाँ गोवा। अच्छा गोवा ही क्यों जाना है? वो जो मेरी फ्रेंड है ना वो जयपुर जा रही है न्यू ईयर के लिए, तो मैंने सोचा कि हम गोवा ही जाएंगे। अपनी फ्रेंड की कॉपी कर रहे हो तुम, जब पिछले साल हम तुमको घुमाने लेके गए थे क्या तुम्हारी फ्रेंड गई थी कहीं पे? वैष्णो देवी जाने को घुमाना नहीं कहते। हमारे इधर 2,500 रूपए लग गए आने जाने में और तुम कहते उसको घुमाना नहीं कहते। 2,500? इतने में क्यों खर्च किए? कंजूस कंजूस मत बोलो हमको। रात को हमारे सपने में माता रानी का शेर आया था तो सुबह सुबह चले गए हम दर्शन करने। अरे तुमको भी दर्शन करवा दी तो क्या गलती कर दिए क्या? गलती तो मैंने की तुमसे शादी करके, वहाँ मेरे जीजू दीदी को हर 3 महीने में कहीं ना कहीं लेके जाते हैं, न्यूयॉर्क एलिस सैन फ्रांसिस्को। किसको? दीदी को। इसलिए तो तुम्हारी जीजू के दिल में बजता है दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को। तुम अपने आप को देखो और अपनी दीदी को देखो। अरे कहाँ जा रही हो? अरे पगली हमको भूख नहीं लग रही, हमारा पेट भर गया, हमको नहीं चाहिए और खाना।
हम तो कह रहे थे कि जो तुम्हारी बहन है कितनी केयरिंग है। अच्छा तो मैं केयरिंग नहीं हूँ। हाँ वो तो दिख रहा है ना। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, झूठे बर्तन से लेके कच्चे तक धोए मैंने तुम्हारे। अरे फिर कच्चे धोते हो, तुमको गोवा लेके चले जाए का? किसका फोन है? फोन तो तुम्हारा ही है। अरे पागल, मेरा मतलब किसका कॉल आया है? तुम्हारे लिचड़ बॉस का। दो हमको फोन, दो इसका फोन मैं उठाती हूँ। इसको पता होना चाहिए किसी घर में कब फोन करना चाहिए। नहीं नहीं रमन, यू आर फायर्ड। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेक्रेटरी के साथ मिसबिहेव करने की? अरे जा टकले, तू क्या उसका निकालेगा, वो खुद तेरी नौकरी छोड़ता है। और मैं तेरी बीवी को बताऊंगी जो तेरी गुल छर्रे उड़ा रहा है ना तू अपनी सेक्रेटरी के साथ। अरे पागल औरत, तेरा दिमाग गोवा चला गया का? नौकरी से निकलवा दिया हमको, अब थोड़े दिनों बाद गोवा नहीं सीधा रोड पे सोना पड़ेगा। हे माँ, मेरी शादी क्यों करवाई ऐसी औरत से? माँ से याद आया, अभी मम्मी को फोन करके बताती जो तूने मेरा जीना हराम कर रखा है ना। नहीं हमको बताओ किसकी मम्मी के पास फोन करोगे तुम, क्योंकि अगर हमारी मम्मी के पास फोन किया वो तुमको खुद कुछ उल्टा सुना देंगी। अगर तुमने अपनी मम्मी के पास फोन किया वो उठाएंगी नहीं फोन, क्योंकि उनको लगता है इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी मम्मी के बारे में ऐसे बोलने की? मेरी मम्मी बिल्कुल सही कहती थी कि मत पड़ इस लव मैरिज के चक्कर में, राजा महाराजा क्या शादी हो रही थी मेरी। अरे हम तो कह रहे हैं अभी भी चले जाओ, क्योंकि हमारे बजट में नहीं है गोवा। हमारे बजट में वैष्णो देवी था, मगर अब नौकरी गई तो वैष्णो देवी भी गया। मगर हमको याद आया, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी कम से कम एफडी तो है। मगर वो तो मैंने का किया तुमने हमारी एफडी के साथ? तुम्हारी क्या, मेरी भी तो थी। हम जो पूछ रहे उसका जवाब दो, का किया हमारी एफडी के साथ? वो तो मैंने तोड़वा दी और दो टिकट्स भी ले लिए गोवा की, वो भी बिजनेस क्लास, कल 5 बजे के। अरे पागल होगा तुम, अब किसका फोन आया है? तेरे टकलू बॉस का। हमको तो फोन हमको तो अभी कह दी। हेलो गुड इवनिंग सर। रमन सैलरी तेरी आज से डबल और प्रमोशन भी तेरा, बस भाभी जी को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना और उन्हें बोलना कि मेरी बीवी से कुछ ना बोले प्लीज। ओके सर। क्या बोल रहा था टकलू? हमारा प्रमोशन हो गया और सैलरी भी डबल हो गई है। इसका मतलब हम गोवा तो जा ही सकते हैं? अरे नैनीताल, गोवा, कुल्लू मनाली, जहाँ चलना है वहाँ चलेंगे मेरी लाडो रानी। हेलो। हाय मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्लेमिंगो एयरलाइन। आपकी गोवा की फ्लाइट 5 मिनट्स में टेक ऑफ होने वाली है। क्या? वो तो शाम की 5 बजे की है ना? नो मैम, आपकी फ्लाइट सुबह 5 बजे की थी, शाम की नहीं। रमन, अरे हम पहुंच गए का, हम पहुंच गए गोवा। हाँ समुंदर। रमन जो मैंने टिकट्स बुक नहीं की थी गोवा की, वो शाम के 5 बजे की नहीं, सुबह के 5 बजे की थी। रे पागल। गाइस थैंक यू सो मच इस चीज के लिए, दिल से। अरे कैमरा इधर है। अच्छा वो कौन है? गाइस 3 साल की मेहनत के बाद फाइनली ये मुझे मिल गया है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो ये मेरे पास कभी भी नहीं आता, इसको अपना असली मालिक कभी भी नहीं मिल पाता। तो थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। और यार नई वीडियो अगर आपको जेन्युइनली पसंद आई है ना, तो प्लीज लाइक कर दो अभी के अभी, शेयर कर दो, कॉमेंट कर दो, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल रमन शर्मा, दैट इज मी, बाय क्लिकिंग हियर, एंड बेल आइकन जरूर दबा देना कि जब अगली वीडियो है तो आपको पता चल जाए। बस यार, लव यू गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, लव यू।